दोस्तों नमस्कार, स्क्रीन उनका चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्लवाइन इंटरनेशनल के बारे में। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसे कि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना अकाउंट पर्लवाइन इंटरनेशनल में 30 जून के पहले क्रिएट कर लिए थे, बट ओटीपी ना आने के कारण वो अपने अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर पाए। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरीके से पर्लवाइन इंटरनेशनल में अभी अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके पहले फ्रेंड मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप नए हमारे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी लोगों को फ्रेंड्स मालूम होगा, 30 जून के बाद पर्लवाइन इंटरनेशनल में नया खाता खुलना बंद हो चुका है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने 30 जून के पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लिए पर्लवाइन इंटरनेशनल में, बट उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है मोबाइल को वेरीफाई करना। जब वो मोबाइल वेरीफाई कर रहे हैं मोबाइल नंबर को, तो उनके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा था। ऐसे कई लोगों का प्रॉब्लम आया, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग मैसेज किए कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है, और वो बार बार ट्राई करते रहे अलग अलग टाइम पे, फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा था। तो वो सारे मेंबर छूट गए, पर्लवाइन के फाउंडर मेंबर नहीं बन पाए। तो मैं उन सभी मेंबरों के लिए बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब आप अपना पर्लवाइन इंटरनेशनल के अकाउंट को चाहे तो वेरीफाई कर लें। अभी ओटीपी आना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। हमारे टीम के एक मेंबर ने आज मॉर्निंग में, उनका भी यही ओटीपी वाला प्रॉब्लम था, उन्होंने मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक किया उनके मोबाइल पर ओटीपी आ गया। उसके बाद उन्होंने वेरीफाई करके अपने अकाउंट को पर्ल में अपग्रेड कर लिए हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे उनका रैंक पर्ल है। तो जो मेंबर छूट गए थे फ्रेंड्स जिनका ओटीपी का इशू था, तो अभी वो चाहे तो ओटीपी से वेरीफाई करके अपने अकाउंट को पर्ल में अपग्रेड कर सकते हैं। और दूसरी चीज फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, और जो मेंबर पहले ज्वाइन किए थे यानी कि 30 जून के पहले कभी भी वो अगर अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर चुके थे, सिर्फ उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया था, या फिर सिर्फ उन्होंने मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया था, या फिर अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिए थे, सब कुछ कर लिए थे, बट उन्होंने एक्टिवेट किसी कारणवश नहीं किया था, तो वो सारे तमाम मेंबर चाहे तो अपने अकाउंट को अभी भी पर्लवाइन इंटरनेशनल में एक्टिवेट करके पर्लवाइन के सीट पार्टनर यानी कि फ्रेंड्स आप फाउंडर मेंबर बन सकते हैं। सिर्फ फ्रेंड्स अभी नई आईडी नहीं लग रही है, नया खाता खुलना बंद हो चुका है, बट जो पुराने खाते पहले से ही अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं उन खातों में आप डीपी 30 डीपी ट्रांसफर करके आप उस अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं। और जो मेंबर फ्रेंड्स पर्लवाइन इंटरनेशनल में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग अपने डाउनलाइन में जाएं, अपने डाउनलाइन में जब चेक करेंगे तो वहां पर उनके डाउनलाइन में कितने मेंबर हैं जिनका अकाउंट इनएक्टिव है, एक्टिवेट नहीं है, उनका डेटा शो करेगा। उन लोगों को चाहे तो फ्रेंड्स वो पर्लवाइन इंटरनेशनल के सीट पार्टनर अभी भी बना सकते हैं, उनके पास अभी भी समय है। और आगे चलकर फ्रेंड्स अगर ये ऑप्शन भी बंद हो जाता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दूंगा, बट अभी फ्रेंड्स हो रहा है, आप लोग चाहें तो जल्दी से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लें। और इसी के साथ साथ फ्रेंड मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, पर्लवाइन इंटरनेशनल के बहुत सारे ऐसे मेंबर है फ्रेंड जिनका हमारे पास मैसेज आ रहा है कि सर गलती से किसी का 100 डीपी, किसी का 50 डीपी, किसी का 30 डीपी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। और ये फ्रेंड गलती जब मेरे से हो चुकी है इतना सब कुछ जानकारी होने के बाद, तो किसी से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने जल्दबाजी में एक डिजिट भी इधर उधर हो गया तो वो डीपी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने भी आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि कस्टमर सपोर्ट में हमने टिकट भी रेस किया, एक बार रिप्लाई आया, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह मेरे से मांगा गया, मैंने वो डिटेल भी शेयर किया, बट उसके बाद हमारा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे स्टेटस क्लोज शो कर रहा है। तो यानी कि फ्रेंड्स हमारा पैसा अभी तक वापस नहीं आया है, और उसके बाद ना ही कोई हमारे पास रिवर्ट आया है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि वो मेंबर जिनके खाते में गलती से डीपी ट्रांसफर हुआ है, वो लोग चाहें तो एक नैतिकता के कारण, इंसानियत के कारण जो है ईमानदारी दिखाएं, सामने वाले का डीपी वो चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं। उन सभी मेंबर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई किसी का भी डीपी अगर आपके पास गलती से आ गया है, प्लीज उसको डीपी ट्रांसफर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे होशियारी करते हैं, आप उस डीपी को कहीं और ट्रांसफर कर लेते हैं, यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए अगर आप पर्लवाइन इंटरनेशनल के मेंबर हैं कि आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है, आप फ्रॉड केस में पाए जाएंगे। तो इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जिसका भी आया है उनको वापस कर दीजिए, वो आपका नहीं था,
जो आपका नहीं है उसमें आप अपना हक मत समझिए, उसको आप यूज मत करिए, जिसका भी है फ्रेंच उसको वापस कर दीजिए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।